सभी को नमस्ते। तो कल हम लोगों ने एक असाइनमेंट लिया था कि विच यू डू के बाद से अभी हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए रेगुलर बेसिस पे क्या एफर्ट किया है और उसका क्या आउटकम आया है। तो वैसे तो हर दिन जो शेयरिंग हो रही है उसमें ये बातें निकल कर आ रही हैं। कोई 3 स्पेसिफिक अचीवमेंट्स अगर आप शेयर करना चाहें तो अभी शेयर कर सकते हैं, और की टेकअवेज क्या है विच यू डू के, उस पर बात होती रही है। परंतु यदि कोई बात छूट गई हो या किसी ने शेयर ना किया हो तो उसको भी शेयर कर सकते हैं। और हम सब लोगों ने जर्नल तो बना लिया होगा जैसे पहले बात हुई थी, और उसमें हमने एक असाइनमेंट ये भी लिया था कि हम किन किन मुद्दों में शिफ्ट देख पा रहे हैं, किन किन मुद्दों में अभी लगता है हम उलझे हुए हैं, उसको भी बना के है ना देखते हुए चलना है। तो ये UHV2 का आपका की टेकअवे भी होगा, अचीवमेंट्स भी होंगे, उसको लेके यदि कोई शेयर करना चाहे। अभी मैं सारे हैंड्स लोअर कर देता हूँ, हिंदी के सत्र के लिए जो साथी हैंड रेस कर रहे हो उससे बात कर सकते हैं। अच्छा विनोद गुप्ता जी, कल आपका हैंड रेस था, आपको माइक नहीं दे पाए थे। रशपाल जी, हाँ आपको भी कल माइक नहीं दे पाए थे। जी भैया नमस्ते। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। वो मैं इनफैक्ट कल कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता था। आपने मेरे को पिछली बार जब मैं रिफ्लेक्शन दे रहा था तो कहा था थोड़ा बारीकी से देखो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो जो बिखराव है वो थोड़ा फोकस हो जाए, तो बस इतना सही। और अच्छा, बढ़िया बढ़िया भैया जी, तो जी इस बैच में आप उस बारीकी को थोड़ा सा ध्यान दें कि ध्यान इधर उधर न फैले, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही उपयोगी रहेगा। जी रशपाल जी, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट यूएचवी और सेकंड यूएचवी के बीच में बहुत सारे चेंजेस आए, और थर्ड में तो शायद लगता है बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो रहा है मेरा आई, और उसको मैं समझ पा रही। और जहां तक मैंने मैं को समझा उसको समझना बहुत जरूरी है, और वो जो समझ है जैसे हम लोग आम भाषा में बात करते हैं कि यार उसको समझ नहीं आई, यार इसको समझ आ नहीं सकती, तो ये जो थोड़े से शब्द है ना, इन शब्दों में पहले तो हम साधारणली ये शब्द बोल देते थे वो समझ नहीं सकता, उसको समझ आ ही नहीं सकती, पर ये तो सारी समझ अपने की समझ है, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग को कैसे हमने एक प्रोग्राम बना के उसको प्रोसेस और प्रक्रिया से लेके और अपने को ही डेवलप करना है, यहाँ तक जो मेरे को अपने आप में समझ पा रही हूँ मैं UV3 में, बस उससे पहले ये कुछ कोई कंसेप्ट मेरे पास नहीं था, तो कुछ भी नहीं था, बस एक चीज UHV1 में मैंने समझा वो था कि जो हमारे जब मेरे बेटे की शादी हो रही थी तो अगर मैं UHV1 नहीं करती तो मैं बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में आती और बोलती हाँ भाई लड़की वाले ऐसे है, ये है वो है, उन्होंने ये नहीं दिया वो नहीं, पर इन सब चीजों से मैं कैसे एकदम से बच के निकल आई, और वो एक UHV को क्रेडिट जाता है इस चीज का। और सेकंड में मैंने ये देखा कि मैं अपनी फैमिली में ही एक ऐसा एनवायरनमेंट रेडी कर लिया जिससे बहुत ज्यादा एक पॉजिटिविटी आने लगी, और थर्ड में जब मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी इस प्रक्रिया में तो बहुत सारे चेंजेस मेरे को अपने आप में मिल रहे हैं, पर बीच बीच में वो जो मेरी एक पीछे परंपराएं बनी हुई है ना वो इतनी जल्दी जाने वाली हुई से लगता नहीं है कि जा पाएंगी, पर बीच बीच में मैं डोल जाती पीछे चली जाती हूँ, पर बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी समझ को और इतना डेवलप करूँ कि मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस अब बस आगे ही प्रोग्रेस करनी है कि इस जो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना और इसको कंटिन्यूटी में रखना, जैसे आपने कहा ना खाना तो एक हमारी जैसे एक बारंबारता है, उस बारंबारता से हटके हमें कंटिन्यू हैप्पीनेस में कैसे एंटर होना है, वो जरा ऐसा लग रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है।
क्योंकि उसमें भाव भी आ जाते हैं, डिजायर्स भी आ जाती है, फीलिंग्स भी आ जाती है, वो चीज आके ना वो हमारी उस डेवलपमेंट में कुछ कहीं ना कहीं टारगेट करके ना हमें पीछे की तरफ पुश करती है। सर एम आई राइट? जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया दीदी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन बातों को जो अभी शेयर कर रही ना उसको आप अपने लिए डॉक्यूमेंट भी करते चले, है ना। जैसे आपने बताया कि अचीवन करने के बाद से बेटी की शादी में इतने सारे मुद्दे पे आप आराम में रही, करने के बाद परिवार में बहुत कम से मैं आपको बता नहीं सकती कि लोग मेरे को देख के हैरान हो रहे थे कि ऐसे इसने ऐसे कैसे शादी कर ली एकदम से, और इतनी पीसफुली कैसे ये सब कुछ हो पा रहा है। लोग खुद प्रॉब्लम में थे, वो मैं सिचुएशन देख रही थी, हर एक के बात में यही था बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ। वो रीजन ये था UHV1, वो तो मैं लोगों को तो समझा नहीं सकती थी उस टाइम पे, पर फिर धीरे धीरे जब वो प्रोग्रेस करता गया UHV2 में, फेस टू फेस मनोज बाबू और पांडे जी ने जो डिजायर और अदर जो आउ जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में जो हमारा अट्रैक्शन है और उससे हमें अपने आप को कैसे कंट्रोल में करना, कंट्रोल में नहीं मतलब कि समझना है उसको, अंडरस्टैंडिंग हमारे पास इतनी होनी चाहिए, यानी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेकार थी। मैं यही समझ में आ रही हूँ कि हम लोग इतने मतलब कि ना समझते कि हम उस समझ को पकड़ ही नहीं पा रहे। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ऐसे हम घूम रहे हैं और इसमें कितने हम ना समझ थे। तो सर एक और मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, आपने चरवाका का एक बहुत अच्छा एक शब्द यूज करा था परसों, तो उसमें मैं कुछ वो लाइन बहुत उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाई वो उसको, हाँ उसकी फिलॉसफी जरा मेरे जहां तक मेरे को ऐसा लगता है उसकी फिलॉसफी में शायद चार एलिमेंट को इम्पोर्टेंस दिया था। हाँ, तो उसमें जो चारवाक का फिलॉसफी है उसमें पूरी तरह से संवेदना से सुख पाने का ही लक्ष्य बनाया जाता है। तो उसमें कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो जब तक जियो सुख से जियो कर्ज लेकर घी पियो। ठीक है सर, जरा इसके ऊपर अगर ज्यादा रिफ्लेक्शन हो ना मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे को ऐसे लग रहा पता नहीं क्यों भाई, मेरी समझ भाई मेरी उतनी जितनी समझ है मैं उतनी शेयर कर रही हूँ कि ये चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और मैं शायद बच्चों को ये टॉपिक सही तरह का पढ़ा नहीं पाई थी चरवाका, बस वो फोर एलिमेंट तक लिमिटेड करके और मेटलिस्टिक वर्ल्ड के बीच में जो एक डिफरेंसेस है उसको ही समझा पाई बस इतना। मैंने कहा ज्यादा आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, पर मैं जब खुद ही नहीं समझ पाई तो मैं उनको क्या समझाती। कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया दीदी, बहुत सुंदर। मदन सिंह जी, थैंक यू वेरी मच सर, नाइस दीदी। मदन जी जी नमस्ते। हाँ सर, चीज है कि अभी एक्चुअली मेरा कुछ पहले क्वेश्चन पर्सन कुछ था इंग्लिश में, उसके बाद जब वो एक पॉइंट पढ़ा था राइट अंडरस्टैंडिंग का और उसका, जो हम लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप और उसके बाद हमारा जो है फिजिकल फैसिलिटी, तो मैं इस पे थोड़ा सा कुछ अपना बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने इसको कैसे समझा है। मैंने ये देखा है कि अभी हमारे को ये बताया गया है कि राइट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट करनी है, फिर हमारे को रिलेशनशिप में हम अच्छी तरीके से रह सकते हैं, फिर फिजिकल फैसिलिटी को देख सकते हैं हमें कितनी जरूरत है। पर मैं जब ये देख रहा हूँ तो इसमें हम लोग ना दो भागों में बढ़ चुके हैं, एक मेंटर और मेंटी के। जब मैं मेंटी हूँ तो मैं राइट अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं कर पाऊंगा सर विदाउट मेंटर के, मुझे खुद सबसे पहले रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, वहां कोई दिक्कत होगी तो मैं तब मुझे पता चलेगा कि मेरी हैप्पीनेस उसके अंदर क्या है, मैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करूंगा, मतलब मैं प्रॉब्लम में उलझूंगा या मेंटी के रूप में, फिर ऐसी फिजिकल फैसिलिटी के रूप में। तो ये मेंटी, अब हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ मेंटर की, ये जो मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ मेंटर की रिक्वायरमेंट क्यों, क्योंकि मेंटर जो एक्सपर्ट है उनको पता है प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, वो सुबह से शाम तक, जैसे कुमार जी आप हैं, सुबह शाम तक जितने भी हम लोग का मेंटी हुए सारे के सारे जो एक्सप्लोरर हैं वो सारी बातें आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम, हम भी सुन रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ मैं
अभी अपने सभी एक्सप्लोरर को कह रहा हूँ, जो भी जितने भी नए ज्वाइन हुए या पुराने, कि वो लोग अपने आसपास इस चीजों को देखें। अब मैं रिलेशनशिप पे आता हूँ सर। मैंने जो नोट किया, पॉइंट को नोट किया है, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी मेरे भाई वगैरह, जो दीदी वगैरह क्वेश्चन पूछती है, उस पर एक पॉइंट है मेरा कि जब हम किसी और से उम्मीद लगाते हैं, मतलब औरों से प्यार करते हैं ना अपने एंगल से, तो हम शायद तब सेटिस्फाई महसूस नहीं करते अपने आप को, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूसरे के एंड में रह ही जाता है। लेकिन जब हम उनसे प्यार करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारी तरफ अट्रैक्शन है, कुमार जी, हम बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं ये सभी को कह रहा हूँ, तो अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश करें कि जो जिनको हमारी जरूरत है, जो हमसे प्यार करते हैं, हमको समझते हैं, उनको उनके उनके बारे में ध्यान देंगे, उनसे प्यार करेंगे, तो शायद जो हमारे को यहाँ रिलेशनशिप में जो हमारे को वो चाहिए, मतलब हैप्पीनेस चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, वो मिलेगा। तो मैं जैसे इस पे अब फिजिकल फैसिलिटी का बता रहा हूँ, मैं एक छोटी सी पॉइंट और आई है जो हम लोग पहले भी सब करते आए, लेकिन अब जब ये प्रोग्राम हमने समझा और इसको एक्चुअल में डेप्थ में ढंग से समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ, हम अभी तक किताब में पढ़ते आए हैं और या कभी एक दो वैसे लेक्चर वगैरह हो गए, लेकिन जो ये कॉन्स्टेंटली 5 दिन का प्रोग्राम है, ये 6 दिन का फिर यूएसपी टू गया, इतना अच्छा प्रोग्राम है जिसमें सब बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। तो उसमें मैं फिजिकल फैसिलिटी के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि फिजिकल फैसिलिटी लेके कोई चिंता में होता है कि हमारे पास पैसा कम है या हमारे पास प्रॉपर्टी कम है, दूसरे के पास ज्यादा है। मैं बताऊँ, सिंपल सी बात है, आप अपने से जो गरीब है, बेचारे, मतलब गरीब बेचारे और ऑनेस्ट लोग, मदन जी थोड़ा यहाँ मैं आपको रोकूंगा कि यहाँ पे आपको आप में जो उपलब्धि दिखाई दी है वो शेयर करना है, और थोड़ा जो आप अभी मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसमें कुछ चूक हो रही है, तो मैं कहूंगा कि अभी इसको न रख कर आप स्वयं में क्या उपलब्धि देख पाए हैं उसको रखें। हाँ, और थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, है ना, थोड़ा सा जो संबंध को लेकर आपने बात कही वो पूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर वो संबंध हमारा कंडीशनल होता है। जैसे आपने कहा कि जो हमसे प्यार कर रहे हैं, हम उनसे प्यार करें तो हम सुखी रहेंगे, तो फिर उसमें क्या होता है फिर कि हम संबंध में या तो अधिमूल्यन करने लगते हैं या अवमूल्यन करने लगते हैं, और फिर जहां हम अधिमूल्यन करते हैं वहां भी सुख की निरंतरता नहीं होती, जहां अवमूल्यन करते हैं वहां भी, और संबंध हमेशा हमारा कंडीशनल रहता है। तो ऐसा जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा सुधार कर लें। हमको दिखता है कि हर मनुष्य में, जी, हर मनुष्य की चाहना ठीक है, हर मनुष्य में समझने की क्षमता भी है, ठीक है ना, और हर मनुष्य के लिए समझने का कार्यक्रम भी निश्चित है, उसकी योग्यता भिन्न भिन्न हो सकती है। तो एक दूसरे की योग्यता का सही आकलन करते हुए हम संबंध में पूरक हो पाते हैं, ये पूरा कार्यक्रम बनता है। आप जो कह रहे हैं उसे संबंध हमेशा ही कंडीशनल रहेगा, वो फिर एक तरह से लेन लेन के रूप में चलता है कि हम चाह रहे हैं कि हम आपसे अधिक से अधिक अच्छा भाव ले लें, आप चाह रहे हैं कि आप मुझसे अच्छा अच्छा भाव ले लें, और उस संबंध में फिर निश्चितता निरंतरता नहीं रहती। पहले जो आपने बात कही, तो हम चाहे मेंटर हो या मेंटी, यानी छात्र हो या अध्यापक, है ना, गुरु हो या शिष्य, तो हम सबकी प्रायोरिटी देखें तो समझ की ही पहली प्रायोरिटी है। उसको कोई समझ कर दूसरे के लिए पूरा कर पा रहा है, कोई नहीं समझ रहा दूसरे से पूरा करने के लिए योजना कार्यक्रम बना रहा है, इतना बस हो सकता है, परंतु उससे हमारी प्रायोरिटी शिफ्ट नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं समझ पा रहा है उसके लिए संबंध पहली प्रायोरिटी हो जाएगी और जो समझ रहा है उसके लिए समझ पहली प्रायोरिटी होगी, ऐसा नहीं है। प्रायोरिटी तो वही है ना, हम अभी उसके साथ कहाँ खड़े हैं उसके अनुसार हम योजना बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कुमार सर, आपने ठीक कहा, मैं इसमें और ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से और ध्यान, ठीक है सर, क्योंकि हमें एक ही पार्ट ध्यान नहीं रखना, दोनों तरफ ध्यान रखना, यस, बैलेंस बनाना है। नहीं, क्योंकि फिर गलत हो गया, बैलेंस बनाने जैसा नहीं है, बैलेंस तो हम वहाँ बनाते हैं जहाँ पे मात्रात्मक चीजें होती है कि थोड़ा ये भी ठीक हो जाए, थोड़ा वो भी ठीक हो जाए, ये मात्रात्मक बात नहीं है, गुणात्मक बात है। मुद्दा बैलेंस बनाने का नहीं है, मुद्दा ठीक ठीक पहचानने का और उसको पूरा करने का है। देखिए, ये सब छोटी छोटी चूक है, अच्छी बात है आपके प्रश्न और शेयरिंग से कुछ ऐसी बातें निकल कर जो सामान्य रूप से हमारे विचार में चूक हो जाती है। जैसे हम कई बार बैलेंसिंग का प्रयास करते हैं, है ना, रिलेशनशिप में, ठीक, अगर हमने भाव को ठीक नहीं पहचाना है और बैलेंसिंग करने जाते हैं तो फिर हम उसमें होगा,
तो मात्रात्मक रूप से ही हम कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं, थोड़ा इनके लिए भी कर दो, थोड़ा उनके लिए भी कर दो, वो हमारे लिए भी थोड़ा कर दे, है ना, थोड़ा शरीर के लिए भी कर दो, थोड़ा समझ के लिए भी कर दो, उससे नहीं बनती बात। वस्तु को जैसा है वैसा देखना बनता है, उसको वैसा पूरा करना बनता है, है ना जी। बढ़िया बढ़िया भैया, कुछ और हैंड साइन है, आपका सिग्नल शायद अभी प्रॉब्लम कर रहा है जी। लता नैयर जी, सर कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? ओके मैम, ठीक है, मैं हिंदी में रिस्पॉन्ड कर दूंगा, आप बताइए। ओके नो सर, एक्चुअली सर बिगेस्ट अचीवमेंट आउट ऑफ दिस यूएचवी 2 विल बी द रियलाइजेशन ऑफ दैट एक्सिस्टेंस, को एक्सिस्टेंस, सो दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग इन अ सेल्फ। So because of that, the all my relationship with human beings, that right feelings came, and I have started seeing everybody as my brothers and sisters. Everybody is, everything is related. That feeling came to my mind, and I am now able to understand the. I am trying to fulfill those relationship the same way as it occurs in the nature. It all, I try to see that everything happens in a mutually fulfilling way. So that is our most achievement, I can say. And the feeling of happiness that I derive out of that kind of activities is beyond words. So actually it is a continuous happiness. I am feeling a feeling of continuous happiness by maintaining that relationship in that way. In a mutually fulfilling way. So that is a key achievement out of UHV2. And key takeaways from UHV2 is the same thing. That is the how I can maintain happiness in my at my individual level. How I can maintain happiness in the in the family, in the society, and in the nature and coexistence. So another thing that I can do now is I am able to evaluate every project, since we are all engineers. So I am now able to evaluate every project based on this UHV. So whether it is it will lead to happiness or is it just exploitation, like that I am able to evaluate all those projects also and propose new projects. So wherever that mismatch happens, so I am able to propose new projects so that it happens in a mutually fulfilling way. So these are some of the achievements from my side, sir. Ji, ji, badhiya, nice, Didi, nice. Keep on working. Thank you, sir. Nice, Didi. Akhileshwar ji. नमस्ते भैया, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। नमस्ते भैया, मेरा 2 साल पहले करीब UHV1 का मैंने किया था, उससे मेरे को लगा कुछ ये ठीक बात है, और मेरी बेटी ने उसको नोटिस किया कि मैं थोड़ा सा शांत हो रहा हूँ, तो उसने ध्यान दिलाया, तो लास्ट में फिर हमने इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहा, तो कुछ मिला, फिर उसके बाद बीच में एक प्राथमिक शिक्षा शिविर भी सोमैया का किया। आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही, थोड़ी धीमी भी आ रही है। अभी आ रही है? अब आवाज कुछ ठीक आ रही? हाँ, पहले से बेहतर हुई। हाँ अच्छा अच्छा, तो भैया मैंने UHV1 का कोर्स किया था, फिर UHV2 भी किया अभी उसका, और बीच में एक प्राथमिक शिक्षा शिविर भी किया। तो मेरा ये रहा कि मेरे को ये ठीक लग रहा था, तो मेरी वाइफ का भी इंटरेस्ट रहा, तो हम दोनों लोग इसको साथ साथ करते हैं, तो उससे हमें बहुत ही मतलब आराम है, और मतलब जो जिसे कह रहे हैं कि अपने को ये तो बन गया है मोटा मोटा कि ये करने लायक चीज है ना, ये मेरे लिए भी ठीक है, मेरे परिवार के लिए भी ठीक है, तो ये तो है, तो मतलब मोटा मोटा ये बन गया है कि ये चीज ठीक है, लेकिन अभी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा अभी मतलब दिमाग में तो है, लेकिन वैसा कुछ अभी रियलिटी में ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए प्रयासरत है, कंटेंट को और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और पत्नी भी काफी इसमें इंटरेस्ट है, और बच्चे भी लगे हुए हैं,
तो अब इसमें भैया ये तो मतलब दर्शन तो और ये जो कंटेंट है ये तो बहुत ही पावरफुल है, इसमें सब लोग कह ही रहे, अपने को पता ही है, तो इसमें ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। मेरा एक प्रश्न था आपसे, मेरे को क्या कई बार है कि सेल्फ और जो है जैसे लॉजिकल वे में हमने सेल्फ को एक्सप्लोर किया है ना, कि लॉजिकल तर्क से साथ जाके हमने एक्सप्लोर किया कि ये सेल्फ है और ये बॉडी है, अलग अलग किया, लेकिन उसी लॉजिक से ही कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये सारा काम जो सेल्फ है ना वो ब्रेन भी कर सकता है, तो ये ब्रेन और सेल्फ में कई कई बार मतलब इतना सारा करने के बाद भी कंफ्यूजन हो जाता है। और ये बात ठीक है कि वो मेरे को ठीक नहीं लगता है, मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस तो ये ऐसे ही लगती है कि नहीं मैं कुछ और, बट वो बीच बीच में ऐसा हो जाता है ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा ये ब्रेन का ही है, तो इसमें कोई अगर कोई सॉलिड एक दो बात हो, और मेरे स्टूडेंट्स को भी कई बार आते हैं तो उनको भी बहुत कन्विंसिंगली मैं ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता हूँ, तो कोई पावरफुल एक दो बात हो कोई चीज तो प्लीज शेयर करें, अदरवाइज तो ठीक है ना। ये मतलब ये एक मेरा प्रश्न था, बाकी दर्शन का तो खैर बात ही है, वो करना तो है ही है, ऐसा मन बना लिया। बढ़िया भैया, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दें। पहली बात तो ये कि हम सिर्फ लॉजिकल ढंग से चल रहे हैं ऐसा नहीं, हम तो वेरीफाई भी कर रहे हैं। हाँ, तो वेरीफाई करने में ये होता है कि अभी हम एक सीमा तक वेरीफाई कर पाए हैं, फिर आगे वेरीफाई कर पाते हैं, एक बात तो ये है। दूसरी बात, लॉजिकली भी देखें तो ये सब कुछ ब्रेन कर रहा है ऐसा नहीं दिखाई देता है ना, लॉजिकली भी अगर हम देखें तो। जैसे एक बात जो हम लोग कई बार कहते हैं कि शरीर सामयिक है, ये तो सबको जानकारी में है, इसको हम देख पाते हैं। ब्रेन शरीर का हिस्सा है, ये भी सभी की जानकारी में है। तो यदि हम ये थोड़ी देर के लिए मान लें ये सारी एक्टिविटीज ब्रेन के द्वारा हो रही है और ब्रेन में ही हो रही हैं, तो फिर जो हमने पूरी शरीर यात्रा चलाई है ना, और उसमें जो कुछ हमने सीखा या समझने का प्रयास किया, ठीक, अब उनसे उपलब्धि क्या हुई, नेट आउटकम क्या हुआ, तो शरीर तो मिट्टी मिल गया, ब्रेन भी मिट्टी में मिल गया, तो ये सारा कुछ हमने प्रयास किया पूरी शरीर यात्रा में, उसका नेट आउटकम क्या है, तो कुछ नहीं। तो यदि हम कहते हैं कि सब कुछ ब्रेन में ही हो रहा है, तो फिर इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं? अगर स्टूडेंट्स कभी भी ऐसी बात कहते हैं तो उनसे हम ये पूछ सकते हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, और फिर क्या फर्क पड़ता है कि आप इतनी मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके, ऊंची डिग्री पाकर है ना, बहुत बढ़िया जॉब करके और लंबी उम्र जीकर शरीर छोड़ो, या शरीर तुम्हारा बहुत ही अल्पायु में छूट जाए अगर नेट आउटकम सेम है। तो लॉजिकली भी देखें तो ये बात नहीं निकल कर आती कि जो सेल्फ की एक्टिविटीज है वो ब्रेन कर रहा है, एक्सेप्टेबल भी नहीं होता नेचुरली। तो पहली बात है कि सिर्फ लॉजिकल बात है ऐसा नहीं है, नेचुरल एक्सेप्टेंस की वजह से वेरीफाई कर रहे हैं। दूसरी बात, लॉजिकली भी एक फैलेसी दिखाई देती है उसमें, लॉजिकल फैलेसी, वो बात पूरी नहीं पड़ती, और जहां भी हम उसको सह स्वीकृति ला के जांचने जाते हैं तो बात वो फैल जाती है फिर, है ना। तो अगर आपको भी कभी अगर लगे ऐसा कठिनाई स्वयं में, तो इसको इस आधार पर भी जांच के देख सकते हैं कि अल्टीमेटली ये जो हम सुबह उठ के काम कर रहे हैं, इतना सा जो पूरी शरीर यात्रा में प्रयास कर रहे हैं है ना, इतना सुविधा जुटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, संबंधों का निर्वाह कर रहे हैं, समझने के लिए काम कर रहे हैं, यदि हम अपने आप को शरीर मान लें तो नेट आउटकम तो जीरो है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो भैया आप मतलब पर्पज वाली बात पे जा रहे हैं कि पर्पज भी होगा ना इस शरीर का, कुछ इस शरीर यात्रा का। हम तो नेट आउटकम कह रहे हैं कि अब उपलब्धि क्या हुई, उपलब्धि कुछ नहीं हुई, आप कह रहे हैं वो मृत्यु के समय अगर मान लो, अगर इतना को शरीर मान ले तो कोई उपलब्धि नहीं है सारे श्रम का। ठीक बात, ठीक बात जी, ठीक, बढ़िया भैया, बढ़िया। कई सारे हैंड्स हैं, कुछ रिफ्लेक्शन ले लेते हैं जी। अर्पण जी, जी नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ भैया, मैं यहाँ कानपुर से बोल रहा हूँ, और ये मैंने पहले भी UHV 1, 2, 3 का किया हुआ है, और काफी पढ़ा इसमें था, मतलब मैं पढ़ा भी रहा हूँ UHV सेकंड थर्ड ईयर में, तो उसमें काफी हेल्प भी मिल रही है पढ़ाने को लेकर के, और ये बात भी समझ में आ गई है कि मतलब वेरीफाई करना ही सही नहीं है उसको, मतलब जब तक जीने में नहीं लाएंगे तब तक उसको हम समझ को हम समझ ही नहीं, उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो कल जब मैं वहाँ पे एक पढ़ा रहा था तो एक बच्चे का एक क्वेश्चन आया, थोड़ा उसका रैंडम भी क्वेश्चन था, तो मतलब मैंने आंसर तो किया, तो उसमें बस वो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर आपसे भी एक बार चाहिए था। उसने ये बोला हुआ, उसका किसी लड़के से झगड़ा था, तो अचानक से वो आया उसको मारने के लिए, उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए था? तो जो मैंने तो आंसर यही किया जा करके कि अगर कहीं वो गुस्से में है
तो उस जगह पे हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए, मतलब उस जगह से हमें चले जाना चाहिए इससे पहले कि मतलब, क्योंकि अगर कि कोई आदमी गुस्से में है तो वो और पागल एक तरीके के समान होते हैं। लेकिन मैं सर भैया आपसे ये जानना चाहता हूँ इसका सही आंसर क्या हो सकता है। जी सर, एक थोड़ा सा मैं कहूँ कि इसमें अभी आपको शेयर करना है कि यूएचवी 2 से क्या उपलब्धि हुई, उस पर थोड़ी आप बात रख लें, फिर इस प्रश्न पे ही बात करेंगे। जी सर, जी यूएचवी 2 से सर ये तो मुझे समझ में आ गया है कि मतलब संबंधों में जीना आसान है और विरोधों में जो है ना जीना मुश्किल है। और थोड़ा सा देखा भी अगर कि आसपास अपने मतलब इस तरह से जी करके तो कई बार लगा भी बहुत सी चीजें हैं अगर के जैसे लोगों में जा करके और कॉलेज में स्टूडेंट के साथ में इस तरह से थोड़ा सा पहले के हिसाब से देखा जाए तो अभी काफी ज्यादा एक समझ बनी हुई है। पहले तो खींचातानी वाला चलता था, नहीं ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, लेकिन यही बात तो समझ में आ गई है कि मतलब ठीक है ज्यादा वो नहीं करना है, लेकिन वो जो नेचुरली जो चीज होती है वो ज्यादा सही होती है। अगर कि हम अपनी तरफ से कोई चीज करते हैं मतलब एक तरीके से संबंध बिगाड़ के संबंध में नहीं करते हैं तो फिर उसका जो है ना फिर परिणाम बिल्कुल हमारे हिसाब से ही हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता है। बाकी जो और जो समझ बनी है वो ये भी है कि सिर्फ हमको जो है ना पार्टिसिपेशन ही करना है, भागीदारी ही करनी है और मतलब अपनी तरफ से ज्यादा कुछ नहीं करना है, भागीदारी ही हम कर लें वही बहुत है। कोशिश करते हैं सर कई चीजों में चारों तरफ में कि हमारी भागीदारी बनी रहे, ज्यादातर कोशिश क्या ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करते हैं, कई चीजों में कोशिश करते हैं, कुछ चीजें बच्चों से भी शेयर करते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के, पानी मतलब ना बहाना और मतलब कूड़े को कैसे कम किया जा सकता है, किस तरह से मतलब कुछ ऐसी चीजें कि मतलब किस तरह से प्रकृति के साथ में संबंध बनाया जा सके, तो इस तरह से थोड़ा सा उस पर राय है एचबी को लेकर। बढ़िया बढ़िया भैया जी। तो अभी जो आपने पहला एक प्रश्न किया तो वो दो बच्चों के संबंध को लेकर बात है, तो उसमें समाधान तो यही है कि हमको ये दिख जाए कि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, दूसरे को सुखी करना चाहता है जी ना, ये बात हमको स्पष्ट नहीं होती तो फिर हमारे अंदर विरोध का भाव बनता है, दूसरे के अंदर विरोध का भाव बनता है, फिर समस्याएं बड़ी हो जाती है। तो विश्वास के भाव पर अगर ठीक से काम किया जाए तो परस्पर विरोध नहीं बनेगा। जी 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 भैया, बढ़िया भैया। तो वो एक्चुअली में जो बच्चे जो सुनते हैं वो अभी मतलब अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं काफी, लेकिन उनको उनको लग रहा है कि मतलब जैसे मैंने जब उनको आंसर इस तरह का भी किया, बिल्कुल जो आपने किया इसी तरह से ही मैंने किया कि अगर संबंध नहीं पहचानेंगे तो ये होगा, अभी वो रिवेंज लेगा फिर तुम रिवेंज लोगे, तो अगर कि नहीं पहचाना जाएगा तो ये होगा। तो उसने एक शब्द ये बोल दिया कि तो फिर ऐसे तो सर कायर कहे जाएंगे, तो थोड़ा सा इस पे भैया ने स्पष्टता दे दे। जी देखिए, पहली बात ये देखना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति बनी क्यों, तो पहले वीरता दिखाने गए होंगे है ना, अब लग रहा है कि गायब होते जा रहे हैं, तो हमारी वीरता इस बात में नहीं है कि हम दूसरे से लड़ झगड़ के विजयी हो जाएं, वीरता इस बात में है कि हम दूसरे को समझदार जिम्मेदार बना पाए। हाँ भैया बिल्कुल एकदम, धीरता वीरता उदारता वाला, ठीक भैया तो सही बात है। जी 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 ठीक है भैया, उसको आज और एक्सप्लोर कर दूंगा, थैंक यू भैया जी, नमस्ते। नमस्ते, एक और रिफ्लेक्शन लेते हैं उसके बाद फिर कंटेंट पे बात शुरू करते हैं। अर्जिता जी। भैया नमस्ते, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? भैया यूएचवी 2 से कुछ चीजें, एक तो पहली मेरी उपलब्धि यही है कि मैंने फर्स्ट टाइम जर्नल किया है, तो इसी को मैं बहुत उपलब्धि के रूप में देख रही हूँ। तो एफर्ट्स जो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के रेगुलर बेसिस पे जो है वो अपने भाव और विचारों पर नियंत्रण निरंतर ध्यान देना है, पहली चीज ये हो पा रही है। भाव विचारों के पीछे अपने संस्कारों का मूल्यांकन, तो ये सब शब्दों में सूचना के रूप में पहले भी था, लेकिन अब वास्तव में ध्यान इन पर जा रहा है, तीनों पर। पहले प्रयासपूर्वक करना पड़ रहा था, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि सहज रूप से वहां ध्यान चला जा रहा है हर बार, तो एक ये उपलब्धि के रूप में देख रही हूँ मैं। और पहले जो प्रतिक्रिया स्वयं में या बाहर विद इन और आउटसाइड जो रिएक्शंस होते थे उसमें काफी काम हुआ है और कमी दिखाई दे रही है, और रिएक्शन टू रिस्पांस की जो शिफ्ट है वो खुद में पहली बार देख पा रही हूँ इतने सालों से जुड़े रहने के बाद।
तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे अपने आप में दिखाई दे रही है। संबंधों के बारे में अगर उपलब्धि की बात करूं, और ये एक्सप्लोरेशन के कारण ही हो पा रहा है कि पहले विरोध का भाव बहुत जल्दी आता था, वो कितने भी क्लोजर सर्कल की बात करें हम या एक लार्जर सर्कल की बात करें, विरोध का भाव पहले आता था और उसके बाद एक्सप्लोर कर पा रहे थे पूरी घटनाक्रम को और पूरी सारी चीजों को। लेकिन अभी दिखाई बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है कि अगर संबंध का भाव बना रहे तो निर्वाह ठीक से हो पाता है, और जैसे ही विरोध का भाव आता है स्वयं में भी बहुत पीछे चले जाते हैं हम, जो हमारी गति है और संबंधों के निर्वाह के पक्ष पर भी बहुत पीछे चले जाते हैं। तो ये क्लैरिटी बन पाई है, इसको भी मैं उपलब्धि के रूप में ही देख पा रही हूँ। और जी, और वहाँ कुछ ठीक हो नहीं पाता है, जैसे विरोध का भाव आता है ये सब दिख पा रहा है। तो पहले तो अपने भाव पर ध्यान बना रहना, अगेन ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाई दे रही। तो इसमें अगर मेरा संबंध का भाव बना रहता है तो मेरी जिम्मेदारी और भागीदारी पर ध्यान जाता है कि जो परिस्थिति बनी है उसमें मेरी कितनी जिम्मेदारी और मेरी भागीदारी क्या होनी चाहिए इसको ठीक करने के लिए, और इस हिसाब से फिर परिस्थिति को संभालना हो पा रहा है पहले की अपेक्षा। और पूर्वाग्रहों से बहुत हद तक मुझे मुक्ति दिखाई दे रही है, पहले बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह होते थे और अब उनसे मुक्ति काफी हद तक मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अभी उस पर काम करना बाकी है। ध्यान चला गया है तो काम जल्दी हो जाएगा, ऐसा विश्वास बना है, आश्वस्ति है। और शरीर और स्वयं की दूरी बहुत स्पष्ट हुई है पहले से, और जिसमें शरीर की संवेदनाओं और जो पीड़ा पीड़ा थी शरीर में उससे प्रभावित होने का निर्णय मेरा ही है, ये दिखाई बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और वो दूरी अब बहुत स्पष्ट दिखाई देती है कि मेरा निर्णय है तो मुझे उस पीड़ा और संवेदना का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ना है वो मेरा निर्णय है, तो ये सब मैं तय कर पा रही हूँ। तो इससे बहुत काफी एक स्वतंत्रता का भाव एक अंदर दिखाई दे रहा है। तो उपलब्धि के रूप में तो भैया तीन चीजें ये थी मेरी, और टेक अवेज में मैं बहुत रिग्रेसली उस पर जर्नलिंग का काम अभी मेरा नहीं हो पाया। दो टेक अवेज जो मेन है मेरे वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी अगर समय। जी जी बताना। हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण जो टेक अवे है वो यही है कि जो मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, मैं जिसको महत्वपूर्ण मान रही हूँ उस पर ही मेरा ध्यान जाता है, फोकस जाता है। और पहले ये लगता था कि मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाहर की जो घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनसे मेरा फोकस नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है कि जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं जिसको महत्वपूर्ण मान रही हूँ उसी पर मेरा फोकस होगा। और मेरे लिए अगर मेरी गति मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे भाव विचार संस्कार मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो मेरा अपने ऊपर ध्यान बना रहता है और फिर मैं बाहर की परिस्थिति पर से डील कर पा रही हूँ, उसके साथ व्यवहार कर पा रही हूँ। ये एक टेक अवे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक टेक अवे ये है कि काम तो स्वयं पर करना है, निरंतर खुद पर ही काम करना है। पहले भागीदारी ना कर पाने की पीड़ा होने लगी थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब ये बहुत अच्छे से समझ में आया है कि काम स्वयं पर होगा तो भागीदारी स्वयं के वैभव के रूप में सामने आएगी। तो इसमें थोड़ा आराम मिला है और ये आश्वस्ति बनी है कि अगर खुद पर हम ईमानदारी से काम करते रहे तो हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित हम अच्छे से कर सकते। और भैया रिसेंटली ही क्लास लेना शुरू की है मैंने, तो उसके उसमें प्रयास कर रही हूँ कि खुद पर भी ध्यान बना रहे और जो कंटेंट है उसकी डिलीवरी भी ठीक से कर पाऊँ। बहुत सुंदर दीदी, बधाई आपको, बहुत जी बढ़िया जी जी। और मार्गदर्शन की अपेक्षा है, बहुत सारी चीजों में भटक भी रही हूँ, तो जब समय दे पाएंगे आप लोग तब मैं बात करूंगी उस बारे में। जी ठीक है ना, ठीक है ना, थैंक यू, बहुत बढ़िया दीदी। आप दोनों कॉलम्स बना लीजिए कि जितनी बातें आपने बताई स्पेसिफिक अचीवमेंट्स में, टेक अवे में, इतने सारी चीजों पे हम पार पा रहे हैं और उसके साथ जो जुड़ी चीजें जिसपे अपने को अभी लगता है कि और काम करना है, काम करना है ना, उन दोनों को लिख लें और फिर उसको हम अध्ययन भी करते रहे स्वयं में। ठीक है, और कुछ अगर आपका रिफ्लेक्शन मिल जाए अगर इस शेयरिंग के लिए तो मेरे लिए बहुत उपयोगी है। जी अच्छा है। आप इससे पहले भी
मॉर्निंग सेशन अटेंड करती रही हैं या पहली हाँ बार जी भैया? नहीं नहीं, मैं काफी समय से अटेंड करती रही हूँ। बीच में काफी मतलब मेरे ही उलझनों की वजह से मैंने मतलब एक बीच में थोड़ा टाइम के लिए डिसकंटिन्यू हुआ था, लेकिन अच्छा। अभी मॉर्निंग सेशन, मंथली मीटिंग्स, वीकली मीटिंग सभी अटेंड कर रही हूँ मैं। बहुत बढ़िया दीदी। नहीं, आपके नाम के आगे 7 लिखा था ना, तो क्योंकि आपने कहा कि आप संवेदनाओं पर ध्यान दे पा रही हैं, भाव पर ध्यान दे पा रही, इसका मतलब आपने पहले भी सेशन अटेंड किए। असल में भैया सूचना के रूप में तो बचपन से है, लेकिन भैया कि ईमानदारी से काम खुद पर करने की जिम्मेदारी जो लेना हो पा रहा है वो बीच में कभी हो पा रहा है, कभी नहीं हो पा रहा है, कभी अपनी ही किसी कमजोरी की वजह से भाग जा रहे हैं, तो वही सब हो रहा है। लेकिन अब देख पा रही हूँ कि वो भी एक गति के लिए जरूरी शायद फेज होता है, और वो परिमार्जन जो होता है उस बीच में हो जाता है काफी काफी, तो ध्यान बार बार लौट कर आता है, ये एक उपकार बना हुआ है क्योंकि बचपन से वो सूचना रही है। तो और मैं एक्चुअली किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई नहीं हूँ, तो इसलिए भी वो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूएशन और थोड़ी अनसर्टेनिटी है कि किस सेशन में मैंने भाग लिया है, किस में प्रॉपर ध्यान दे पाई हूँ नहीं दे पाई हूँ, तो वो अपनी गति पर ही पूरा फोकस रहा है अभी तक, और पहली बार ही एक एक संयोग बना के मुझे पढ़ाने को मिला है। तो मेरी इच्छा यही है कि मैं खुद पर भी बहुत ईमानदारी से और जिम्मेदारी से काम कर पाऊँ और भागीदारी के रूप में भी अपने सुनिश्चित कर पाऊँ। बढ़िया दीदी, आप इस सत्र के बाद हम में से किसी को भी संपर्क कर लीजिए, तो हम लोग इस पे और आपकी भागीदारी को लेकर और कुछ चर्चा करेंगे। बिल्कुल भैया, धन्यवाद। मैं यही सेंट्रल रीजन में भी हैं, ये सेंट्रल रीजन में भी है और वहाँ अपने कुछ साथियों की जरूरत भी है। जी भैया, थैंक यू। बढ़िया दीदी, नमस्ते भैया। और भी कुछ? जी नमस्ते, और भी कुछ हैंड्स रेज्ड हैं, बट अभी ऐसा करते हैं थोड़ी बात को आगे लेके चलते हैं। सुनीता रानी जी, रंजीत जी, तोमर जी, वीरेंद्र कुमार जी, मृणाल मंजरी जी, तो आपके अभी रिफ्लेक्शंस को लेते हैं, अभी थोड़ा कंटेंट लेके चलते हैं, समय के साथ लेते रहेंगे। जी दीदी, नेक्स्ट पीपीटी लगा दीजिएगा। जी, तो अभी हम लोगों ने लेक्चर 2 में इस पे चर्चा की कि अभी तक जो हमने समझने के लिए प्रयास किया उसके आधार पर अभी हम कहाँ खड़े हैं और हमारा गंतव्य क्या है। तो हम लोगों ने 3 शिफ्ट की बात की थी, इसमें शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, और फिर उसको लेकर अभी शेयरिंग भी हुई। अब UHV 2 में जो कंटेंट हम लोगों ने स्टडी किया था उसको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं अपने आप में। जी तो UHV 2 का जो कोर्स है, और UHV 2 का मतलब है कि जो सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाने वाला कोर्स है, UHV 1 या UHV इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप जो हम अटेंड करते हैं, तो जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में जो कंटेंट शेयर करते हैं उसका हमें परिचय मिलता है, और जब UHV 2 वर्कशॉप करते हैं तो थोड़ी और विस्तार में जाते हैं, और जो सेकेंड ईयर में मैंडेटरी क्रेडिट कोर्स है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, उस पर हमको पूरी वस्तु को ध्यान देने का अवसर मिलता है। तो उसको एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमको ध्यान में आ जाए। जी नेक्स्ट, तो ये UHV 2 में निकल कर आता है कि मानव की मूल चाहना तो निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये एक शिफ्ट की बात की थी जो हमें आगे मिलेगा, कि मूलतः तो हम निरंतर सुख चाहते हैं, परंतु जहां से बात शुरू किया था UHV 2 में कि निरंतर सुख और समृद्धि दोनों को जोड़कर कहा था, क्योंकि अभी हमारा ध्यान कई बार सुविधाओं पे ज्यादा रहता है, तो ये भी स्पष्ट रहे कि हम सुविधा को इग्नोर करके नहीं चल रहे हैं, सुविधा भी आवश्यकता है ना, इसलिए दोनों को रखा। परंतु जब एक बार दिखने लगता है कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, शरीर साधन है और शरीर के लिए सुविधा साधन है, तो ये बात और स्पष्ट रूप से दिखने लगती है कि मानव की मूल चाहना तो निरंतर सुख है, उसी क्रम में सुविधा की आवश्यकता भी पूरी करते हैं। तो ये एक बात जो स्पष्ट रूप से रखी गई थी। अब इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि इस बात को अपने आप में जांचते हुए चलें कि अल्टीमेटली सारे प्रयास के साथ क्या मैं सुखी हो पा रहा हूँ, क्या मैं समृद्ध हो पा रहा हूँ, है ना। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स का जब बात होती है ना, स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये बात सर ध्यान से उतर जाती है कि अल्टीमेटली मैं सुखी होना चाहता हूँ, तो होता क्या कि इतनी भगदड़ है, इतनी दौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, कि बच्चे उसमें इस तरह से गुम हो जाते हैं, वही भूल जाते हैं कि वो सुखी होने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये हम भी अपने आप में देख लें कि लाइफ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम सुखी होते जा रहे हैं कि नहीं,
हमारे अंदर समृद्धि का भाव बढ़ रहा है कि नहीं, कि सिर्फ सुविधा बढ़ रही है ना, और सुविधा के लिए तनाव बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली उपलब्धि क्या हुई? न सुख बढ़ा, न समृद्धि का भाव बढ़ा। तो ये अपने लिए एक अच्छा मापदंड है अपने लाइफ में अचीवमेंट को आर्टिकुलेट करने के लिए, कि क्या हमारे अंदर सुख का भाव बढ़ रहा है कि नहीं, समृद्धि का भाव बढ़ रहा है कि नहीं, है ना। ये भी बात ध्यान में आती है कि इसको जब सुनिश्चित करने जाते हैं तो उसके लिए मानव चेतना में संक्रमण करना बनता है। मानव चेतना का मतलब कि समझ, संबंध और सुविधा, इन तीनों ही आवश्यकताओं को हम ठीक ठीक पूरा कर पाते हैं सही वरीयता के साथ। और ये भी दिखता है कि इसको पूरा करने का जो काम है वो शिक्षा संस्कार के द्वारा होना है। तो शिक्षा की जो मुख्य भूमिका है वो ये है कि मानव जीव चेतना से संक्रमित होकर मानव चेतना में जीने लगे। अगर इसको थोड़ा सा आकलन करेंगे ना तो पाएंगे कि जो प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन है ना, उसमें अब जिस तरफ ज्यादातर रिसर्चेज या फिर डिजाइन या फिर प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्री अब मोटिवेट हो रही है, वो तो जीव चेतना को ही दर्शाती है कि अब हम वस्तुओं को बदलने के लिए, वस्तुओं से अच्छी संवेदना पाने के लिए, शरीर के श्रम को कम करने के लिए, मानव पर शासन करने के लिए नए नए संयंत्र, नए नए डिजाइन, नए नए उपकरण, नए नए तकनीकी निकाल कर ला रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अभी प्रचलित शिक्षा है और जिस तरह शिक्षा में बदलाव हो रहा है वो और जीव चेतना की ओर ले जा रहा है? अभी जिस तरह के मनोरंजन के साधन बन रहे हैं, जिस तरह से इंडस्ट्री चल रही है ना, उसमें आप पाएंगे कि वो जीव चेतना को बढ़ावा देने के क्रम में है। मार्केट को कैप्चर करने के लिए जिस तरह के एडवर्टीजमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह की पब्लिसिटी हो रही है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, इम्पॉर्टेंट बात है कि अब शिक्षा में ऐसा हो गया है कि सूचना जो बेसिक रूप से चाहिए अपने को उत्पादन करने के लिए या शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए, वो तो बड़ी सरल विधि से उपलब्ध हो जा रही है, या कम से कम उसके लिए बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। परंतु कहीं जो मानव का मानव के साथ जीना ठीक नहीं है, इसलिए अभी सुविधा संग्रह के लिए, हमको मार्केट कैप्चर करने के लिए फिर से वापस जीव चेतना के लिए बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम लोग समय के साथ बात करते रहेंगे। जबकि शिक्षा संस्कार की मुख्य भूमिका तो यह है कि वो संक्रमण हो पाए जीव चेतना से मानव चेतना में, ये नहीं कि हम जीव चेतना को और कॉम्प्लिकेट कर दें, है ना, और उसको सोफिस्टिकेट करें ताकि मानव उसमें और प्रवृत्त हो जाए और उसको होश भी ना हो। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इस तरह के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, अगर उसका हम सदुपयोग सुनिश्चित ना करें तो अल्टीमेटली मानव को जीव चेतना की ओर ले जा रहे हैं। तो ये भी है ना ध्यान देने योग्य मुद्दा है। परंतु ठीक है, ये बात हमको ध्यान में तो रहे कम से कम कि शिक्षा संस्कार की मुख्य भूमिका तो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण के लिए है। और ये भी अपने को दिखाई देगा कि जब हम मानव चेतना के साथ जीते हैं तभी हम मानव के साथ न्याय कर पाते हैं, प्रकृति में व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाते हैं, जिससे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में हम भागीदार हो पाते हैं। तो हमारी चाहना तो यह है कि पूरी धरती पे ना अखंड समाज हो, सार्वभौम व्यवस्था हो। जी, तो इसमें हम लोग रिफ्लेक्ट करें अपने आप में ना, ये बात आपने कई बार सुनी है परंतु इसमें आप हर बार पाएं कि रिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत सारा कुछ शेष रह जाता है। तो ये भी अपने आप में देखने की बात है। हम लोगों ने जब मानव चेतना की बात की तो समझ, संबंध, सुविधा के लिए ये डायग्राम आपके सामने कई बार आया है, जिसमें समझ पहली वरीयता के रूप में है, संबंध दूसरी वरीयता के रूप में है और सुविधा तीसरी वरीयता के रूप में है। नासमझी में हम सुविधा के उत्पादन, सुविधा के संग्रह, सुविधा के भोग को ही लक्ष्य बना लेते हैं और जीव चेतना में जी रहे होते हैं, परंतु थोड़ा सा भी ध्यान जाता है तो इनकी सही वरीयता दिखाई देती है। ये समझ पहली वरीयता है, समझ से ही संबंध में सही भाव सुनिश्चित होते हैं जिससे संबंध उभय सुख होता है, समझ से ही सुविधा की आवश्यकता की निश्चित पहचान हो पाती है जिससे हम समृद्ध महसूस करते हैं और प्रकृति को भी समृद्ध बना पाते हैं, और ये संक्रमण ही शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का लक्ष्य है। तो ये बात जो इस स्लाइड में एक अपने लिए ऑब्जर्व करने की है कि हम इस बात को अपने आप में जांचें कि दिन भर में कितने क्षण हमारे लिए समझ पहली वरीयता होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम इस कंटेंट को सुन रहे होते हैं या किसी वर्कशॉप में होते हैं या मीटिंग में होते हैं या किसी से डिस्कस कर रहे होते हैं तब तो हमको समझ की वरीयता दिखती है, परंतु जब हम अपने दिनचर्या में खो जाते हैं तो ये वरीयता शिफ्ट हो जाती है ना। इसको भी थोड़ा ऑब्जर्व करते रहें, क्या लगता है, ये बात महत्वपूर्ण है कि हम अपनी दिनचर्या में भी देखते रहें कि क्या समझ मेरे लिए इस क्षण भी पहली वरीयता है कि नहीं। आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं।
बढ़िया, इसको जरूर ऑब्जर्व हम करते रहें, क्योंकि डायग्राम तो हमारे सामने कई बार आता है और एक तरह से हम सबके स्मरण में भी बना रहता है डायग्राम, परंतु ध्यान देने का मुद्दा ये है कि अभी जीने में है ना कितने क्षण ये वरीयता हमारे अंदर बनी रहती है। जी बहुत बढ़िया, सभी को इसकी आवश्यकता दिखाई दे रही है। जी दीदी नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए यही शिक्षा संस्कार की भूमिका है। इस बात को देख पाने के साथ कि हमारी मूल चाहना तो निरंतर समृद्धि पूर्वक जीना है ना, और निरंतरता शब्द तो एक छोटा सा है निरंतरता, बट जब आप इसको फैलाएंगे कल्पनाशीलता में तो इसमें दिखता है कि अभी कितना सारा काम करना बाकी है। इस सुख की निरंतरता के अर्थ में है ना कितनी तैयारी अभी होनी है, कितनी योग्यता को बढ़ाना है कि नहीं, और इस निरंतरता को लेकर कई बार हमारे अंदर शंकाएं भी बनी रहती हैं। तो ये भी स्पष्ट हो जाए कि हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं, ठीक है ना, और उसके लिए इन तीनों की आवश्यकता है, स्वयं में सही समझ, संबंध में सही भाव, सुविधा की आवश्यकता की निश्चित पहचान, और सही विधि द्वारा प्रकृति के साथ जुड़कर उसकी उसकी पूरकता है ना उसको पूरा करना। तो ये संक्रमण हो जाए, इस छोटे से गोले से निकलकर, सुविधा के गोले से निकलकर हम संपूर्णता में जी पाए, और ये भी दिखाई दे रहा है हमें से जितने साथी आज इस क्षण जुड़े हुए हैं इस वर्ग सत्र में, हम सब लोग इस महत्व को पहचान पा रहे हैं, तभी तो अभी हम बैठे हैं, अभी हम पूरे चर्चा में भागीदार हो पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अब धीरे धीरे अपने को इसको और पुष्ट करना है। कई बार मैं देखता हूँ लोगों को आश्चर्य भी होता है कि इसमें जो भी लोग जुड़े हैं टीम के रूप में काम कर रहे हैं वो इसके लिए कोई सुविधा कोई रेमुनरेशन नहीं ले रहे और इतना सारा समय लगा रहे हैं। कई बार वो लोगों को कल्पनातीत लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी आप देखिए तो चूंकि ये वरीयता हमको स्पष्ट हो पा रही है तभी तो इतने बड़े पैमाने पे इतने सहज ढंग से इतना बड़ा कार्यक्रम तैयार हो पा रहा है, तो बहुत उपलब्धि की बात है, सभी के लिए बधाई की बात है। और ये जरूर हम अपने आप में वरीयता को देख पा रहे हैं, संबंध और समझ की वरीयता को, तभी हम सुविधा को है ना गौण के रूप में देखते हुए या सुविधा को यूं कहें कि निचली वरीयता पे रखकर इसके लिए हम समय लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, है ना अपना तन मन धन लगा रहे हैं, तो एक बहुत ही सुखद बात है, सभी इसके बधाई के पात्र हैं। जी तो ये तो हमको दिखता ही हुआ कि अगर हम सिर्फ सुविधा के लिए काम करें, हमें समझ का भी पता ना हो, संबंध का भी पता ना हो, तो हम स्वयं भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी किए रहते हैं और दूसरों को अपने दुख के लिए जिम्मेदार भी मानते रहते हैं कि नहीं। वैसे ही अगर सुविधा की आवश्यकता की पहचान ना हो, ठीक है ना, तो हम जितनी भी सुविधा जुटा लें कभी पर्याप्त होने का भाव नहीं मिलता हमको। अभी ये क्राइसिस ये होती जा रही शहरों में कि लोगों के पास समय है, पैसा कमाने का अवसर है, बट कोई सही कार्यक्रम नहीं है, तो करें क्या? तो पैसा कमाते रहते हैं, सुविधाओं को बदलते रहते हैं और अपने अंदर समृद्धि का भाव भी नहीं बनता। ये भी भाव नहीं बनता कि अब पर्याप्त हो गया, आप शेयर करें दूसरों के साथ, है ना, सार्थक कार्यक्रम में, ये भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो इनफैक्ट अगर हम समझ पे ध्यान न दें तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान भी नहीं हो पाती और पर्याप्त होने के बावजूद पर्याप्त नहीं लगता, और हम ये भी नहीं दिखता कि अब करना क्या है लाइफ में, क्योंकि सुविधा ही एकमात्र कार्यक्रम लगता है ना। तो ये भी हमको स्पष्ट नहीं होता कि करना क्या है, सारा समय फिर सुविधा के लगा रहे हैं, उसमें खुद भी हम दुखी परेशान हो रहे हैं, है ना, दूसरे भी दुखी परेशान हो रहे हैं हमसे कि नहीं। जी पाटिल जी का कुछ प्रश्न है, अब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। यहाँ से हम परिमार्जन करके यहाँ पहुंच जाएं, है ना, तो नीचे लिखा डेल्यूडेड सेल्फ, भ्रमित मैं, ऊपर लिखा ट्रू सेल्फ, है ना, जागृत मैं, तो हम जागृत हो पाए, है ना, मानव चेतना में जी पाए। जी बढ़िया बढ़िया दीदी, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लगा लेते हैं। इसी को अगर फैला कर देखें तो ये दिखता है कि समझने का मतलब स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व की व्यवस्था को समझना। ये भी बात आपको अब दिखाई दे रही है, समझना विचार नहीं है, कई बार वैचारिक स्पष्टता को भी हम समझना मान लेते हैं कि हाँ अब पूरा प्रस्ताव जो है हमको अब ठीक ठीक पता लग रहा है, कहा क्या जा रहा है, तो हमने समझ लिया, ऐसा नहीं है। समझने का मतलब जो वस्तु जैसी उसको वैसा देख पाना, स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व को देख पाना, और इसी के लिए हम अभी समय भी लगा रहे हैं। ये जितनी जितनी बात स्पष्ट होती है, इस संबंध की वरीयता स्पष्ट होती है, संबंध में भाव स्पष्ट होते हैं, और फिर संबंध की सीमा हमको परिवार में नहीं दिखाई देती, बस यही चार छह लोग हमारे संबंधी हैं, बाकी से तो लेना देना नहीं,
और जो इस परिवार के लिए सुविधा संग्रह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं वो हमारे दुश्मन हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, ऐसा भी नहीं है। हमें एकता हर मानव मेरा संबंधी है कि नहीं, तो हम धीरे धीरे परिवार से आगे बढ़कर पूरे विश्व को परिवार के रूप में स्वीकार पाते हैं। हमारे अंदर जो परिवार का भाव है वो पूरे विश्व तक जाता है, और ये जो एक एक संबंध में सुखपूर्वक जीने का जो अभ्यास है इससे हमारी योग्यता इतनी बन जाती है कि हम धरती के हर मानव के साथ सुखपूर्वक जीने योग्य हो जाते हैं। उसकी योग्यता चाहे जैसी भी हो, कम हो ज्यादा हो, है ना, मेरा व्यवहार हर क्षण उसके सुख के अर्थ में होता है, उसके ज्ञान के अर्थ में, समाधान के अर्थ में होता है। तो ये भी हमको दिखाई दे रहा होगा, इसको भी आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि पहले जहां हम संबंध को एक सीमा में देखते थे, परिवार की सीमा हो गई, कुनबे की सीमा हो गई, क्या अब हम फैल कर उसको हर मानव के साथ देख पा रहे हैं क्या? इस संबंध तो हर मानव के साथ है, इसको आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। पारस जी ने कुछ प्रश्न लिखा, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, बात हो सकती है। तो पहले हमको जहां परिवार में ही संबंध दिखाई देता था, वही चार छह लोग या फिर थोड़े रिश्तेदार हो गए, थोड़े मित्र हो गए, हमको लगता संबंध तो मैं का मैं से है ना। तो हम ट्रेन में बैठे हैं, यहाँ भी हर व्यक्ति मेरा संबंधी है, सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, ये सब भी अगल बगल वाले मेरे संबंधी हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, ये सब मेरे संबंधी हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर ये भाव पुष्ट होने लगता है। तो पहले ऐसा हो सकता था कि कहीं लाइन में खड़े हैं, ठीक, और अपने परिवार के लिए कुछ सुविधा जुटाने के लिए या अपनी सुविधा जुटाने के लिए लाइन तोड़कर हम आगे पहुंच जाते थे दूसरों से लड़ झगड़ कर। बट अब लगता है कि नहीं, ये जो लाइन में मेरे पीछे खड़े हैं ये भी मेरे संबंधी हैं, और जो आगे खड़े हैं ये भी मेरे संबंधी हैं, तो इनको मेरे व्यवहार से दुख ना हो, ऐसा लगता है, नहीं लगता, क्या लगता है? ये लाइन में खड़ा होना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अक्सर हम लाइन तोड़ देते हैं क्योंकि हमको उनके साथ संबंध नहीं दिखाई देता। अगर संबंध दिखाई दे कि जो मुझसे पहले से खड़े हैं, जी अमोल भैया कह रहे हैं किसी बात हुई है, सुब्बराव जी कह रहे हैं कुछ सीमा तक, ये सब वो अवसर हैं जहां पे हमको ये ज्यादा स्पष्ट हो पाता है कि हाँ अभी हम संबंध को कितना पहचान पा रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं, अपनी गाड़ी आगे निकालने के लिए हमने चार लोगों की गाड़ी फंसा दी, हमारा तो आधा सेकंड बच गया बट दूसरों का 10 मिनट लग गया। बढ़िया, निकिता जी कह रही है पहले ज्यादा विचार कर पा रहे हैं, शुरुआत हुई है। ये सब वो मुद्दे हैं जिससे अखंड समाज कहने में तो लगता है कि एक संक्षिप्त शब्द है, एक बड़ी बात है, जब होगा तब होगा, परंतु अभी हम कितने भागीदार अखंड समाज में वो इन अवसरों पे दिखाई देता है कि जब हम अपरिचित के साथ भी निर्वाह कर रहे हैं तो हमारा संबंध का भाव बना रहता है कि नहीं। वैसे ही प्रकृति को देखें तो प्रकृति में हम, है ना, जो भी मिट्टी हवा पानी कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा इस पर भी ध्यान जाता है कि नहीं, कि आ कहाँ से रहा है ना, इस पहले जहां से आ रहा है इसका स्रोत बना हुआ है कि नहीं, ऐसा तो नहीं मिट्टी खराब कर दी हमने, है ना, हमारे घर की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए भले ही हवा खराब हो जाए। तो अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि क्योंकि पुलिस ना पकड़ ले इसलिए गाड़ी ठीक करानी है, ये जो हवा प्रदूषित हो रही है इससे भी मेरा संबंध है, और ये हवा कोई ना कोई मनुष्य लेगा, पशु पक्षी लेंगे सांस में, और फिर उन पर प्रभाव पड़ेगा। ये जो हम लकड़ी काट काट के फर्नीचर बना रहे हैं और एक भी पेड़ हमने लगाया नहीं अभी तक, तो ये तो मैं प्रकृति का दोहन कर रहा हूँ, है ना। तो सार्वभौम व्यवस्था भी सोचने में तो लगता बहुत बड़ी बात है, जब होगी तब होगी, जब फलित होगी तो उसको एंजॉय करेंगे, बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हमारे अंदर प्रकृति के साथ संबंध की स्पष्टता होती है तो हम अपने निर्वाह में, अपने कार्य में भी देखना शुरू करते हैं कि क्या मैं इनके लिए पूरक हो पा रहा हूँ, क्या हवा के लिए पूरक हो पा रहा हूँ, मेरे जीने से हवा शुद्ध हो रही है या अशुद्ध हो रही है, मेरे जीने से पेड़ पौधे पहले से ज्यादा हरे भरे हो रहे हैं या क्षीण हो रहे हैं, पानी के स्रोत पहले से ज्यादा बेहतर हो गए हैं या सूखते जा रहे हैं, मेरा जीना कैसा है, क्या मैं इनके लिए पूरक हो पा रहा हूँ, है ना, इस सभी ध्यान देने के मुद्दे हैं। चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो डायग्राम तो छोटा सा है परंतु इसके एक एक शब्द के अर्थ में जाएंगे और उसको जीने से जोड़कर देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दे दिखाई देंगे कि अभी तक हमने कितने पेड़ लगा दिए, है ना, या पानी के सदुपयोग के लिए हमने क्या किया है, पानी के स्रोत को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है,
अभी जिस तरह से शहरों में टावर पे टावर बनते जा रहे हैं कि पानी को रिचार्जिंग के लिए कुछ किया भी जा रहा है कि नहीं, तो अगर हम जिस कॉलोनी में रह रहे हैं हम जाके बात तो कर ही सकते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या प्लान है, नहीं तो हम सब फंड मिलाकर वाटर हार्वेस्टिंग का काम करें, वाटर रिचार्जिंग, वाटर बॉडी के रिचार्जिंग का काम करें। अगर तालाब को पाट कर मकान बनाए जा रहे हैं हम जरूर कोई इनिशिएटिव लें कि कम से कम वहां तो हम जाकर है ना समस्या ना उत्पन्न करें, तालाब होने जरूरी है, है ना। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसमें हम ध्यान दे सकते हैं। ये मानव चेतना के साथ जीना है और इसका एक सहज प्रतिफल आपको दिखाई देगा संबंध में, व्यवस्था में। जी बढ़िया, दीदी नेक्स्ट कर लीजिएगा। तो जो एक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है कि हमारे स्वयं में परिमार्जन हो, हमारे चेतना में परिमार्जन हो, मानव चेतना में हम जी पाए जीव चेतना से निकलकर, और समाज में परिमार्जन हो। तो ये जो बात हुई कि जितना जितना मैं अखंड समाज में भागीदार होता हूँ है ना, तो समाज में मेरी भागीदारी फैलती जाती है, पहले से बेहतर होती जाती है। और दूसरा व्यक्ति भी चूंकि सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, तो वो हमसे प्रेरित होता है, हमारे साथ जुड़ पाता है। जब भी कभी संवाद होता है हमारे बातों से उसको समाधान दिखाई देता है, तो धीरे धीरे एक समाज में परिमार्जन दिखने लगता है। और ये तो हम लोगों ने कई बार देखा, आप सबने भी देखा होगा कि कॉलेज में एक ही फैकल्टी हो जिसको ये बात समझ में आने लगे, उसके जीने में दिखाई देने लगे, ठीक है ना, तो पूरे कॉलेज को प्रेरणा मिलती है। और आप क्लासरूम में जो क्लास ले रहे हैं, कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, सिर्फ उतना ही मुद्दा नहीं है, दिया गया काम आप कितना निष्ठापूर्वक करते हैं, कितना सहज भाव से करते हैं कि नहीं, ये सारा मैटर करता है। तो हमारा उस पर ध्यान है कि नहीं, तो व्यक्तिगत रूप से हमारे अंदर परिमार्जन हो जाए। मैं भैया का नाम नहीं लूंगा, परंतु एक साथी अपने जो अपने साथ गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, अभी इस टीम के एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनका जो जिम्मेदारी था एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम में था। और एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम ऐसा जगह है जहाँ पे गहमा गहमी रहती है, क्योंकि अगर कोई गलती हुई तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है एक दूसरे के ऊपर कि तुम्हारे कारण हुआ है ना, या उसमें बहुत तनाव उत्पन्न होता है। और वो वहाँ पे थे और मुझे फैकल्टी ने कहा कि सर वर्कशॉप तो कई लोगों ने किया, परंतु इनको देख के लगता है कि सही में इनमें परिमार्जन हुआ है, आज तक हमने इनको कभी तनाव में या किसी पे क्रोधित होते हुए नहीं देखा। अब आप देखिए कि अगले व्यक्ति उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये व्यक्ति जो कोर्स पढ़ा रहा है, जो वर्कशॉप अटेंड कर रहा है, जो लोगों को कह रहा है वर्कशॉप लेने के लिए, उसको लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इस कंट्रोल रूम में भी रहकर वो तनाव में नहीं है, परेशानी में नहीं है, है ना, किसी पे झल्ला नहीं रहा है, इसको सभी नोट कर रहे हैं। और इस वर्कशॉप के प्रति या कंटेंट के प्रति क्या शक्ति बन रही है उससे, ये एक सेल्फ मतलब एक प्रोपेगेशन है मैसेज का, है ना, जो जाता है हमारे आचरण से। जी बहुत बढ़िया, तो अभी समय हो चला है, मैं अभी कंटेंट को और आगे नहीं ले जाता हूँ, परंतु ये जो इसका पिछला स्लाइड था उस पर हम थोड़ा देखें, अपने आप में ऑब्जर्व करें कि अपने जीने में छोटी छोटी घटनाओं में हम किस तरह से समाज में अखंडता में भागीदार हो रहे हैं, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार हो रहे हैं, इसको आज हम दिन में ऑब्जर्व करें। जी कई हैंड्स रहे थे, मैं प्रश्न नहीं ले पाया आपका, कल थोड़ा समय लगाएंगे क्योंकि आज हमने लगभग आधा घंटा आपका रिफ्लेक्शन लिया, थोड़ी आधे घंटे बात की। तो रश्मि जी हैं, लता जी हैं, अंकिता जी हैं, सुनीता जी हैं, राम बाबू जी हैं, मृणाल जी, रंजीत जी, तोमर जी, वीरेंद्र कुमार जी, आप लोग के रिफ्लेक्शन से कल बात शुरू करते हैं। आज इसको थोड़ा अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें कि कई बार ये होता है कि जब अखंड समाज हम सोचते हैं तो लगता है ये तो बहुत बड़ी बात है, जब होगा तब होगा, सार्वभौम व्यवस्था अरे ये तो बहुत दूर की बात है। परंतु इस क्षण मेरे लिए जो अवसर है समाज की अखंडता में भागीदार होने के लिए, इस क्षण जो अवसर है मेरे अंदर व्यवस्था की सार्वभौमता के लिए, उसमें मैं क्या कर पा रहा हूँ, मेरी उसमें क्या भागीदारी है ना, उसका मैं मूल्यांकन कर पा रहा हूँ कि नहीं, जिसको हम जरूर अपने आप में ऑब्जर्व करते चले। आगे इस पर हम लोग और बात करेंगे, तो समय हो चला है, हम लोग सत्र यहाँ रोकना होगा। जी यशवंत दीदी जी, भैया